कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और इसलिए हम अपने कुत्तों को हमेशा सेहतमंद और खुश रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ये जानना मुश्किल होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हाय व्यूअर्स, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आपके कुत्ते और उसके लिए जानलेवा साबित होने वाले ड्रिंक्स के बारे में है। अपने पालतू को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। क्या कुत्ते को पानी के अलावा और कुछ पीना चाहिए? क्या कॉफी नुकसान पहुंचाती है? सोडा का क्या? वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि अगर कुत्ता कुछ हानिकारक पी ले तो आपको क्या करना चाहिए। पहला, कॉफी। हम सभी को अपनी सुबह की कॉफी से प्यार होता है। मेरा तो उसके बिना काम ही नहीं चलता। लेकिन बात जब कुत्तों की हो तो उन्हें कॉफी कभी नहीं देनी चाहिए। ये काफी ट्रिकी है क्योंकि यहाँ बात केवल कॉफी के कप की नहीं बल्कि कॉफी पाउडर की भी है। तो अगर आपके कुत्ते को काउंटर या कचरे से खाना निकालने की आदत है तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। कुत्तों के लिए कॉफी मना होने की सबसे बड़ी वजह है कैफीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कुत्ते के दिल की धड़कन और पैंटिंग को बढ़ा सकता है। ज्यादा कैफीन से हाई ब्लड प्रेशर, ट्रेमर्स, हार्ट एरिथीमिया और दौरे भी पड़ सकते हैं। क्या आपके कुत्ते ने कभी ऐसा कुछ खाया है जो उसे नहीं खाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, एनर्जी ड्रिंक्स। हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन ये शायद कॉफी से भी ज्यादा बदतर हो सकता है क्योंकि इससे आपको कैफीन बर्स्ट मिलता है। फिर वही बात कि कैफीन आपके कुत्ते के लिए सच में बुरा है, इसलिए ये भी उन्हें नहीं देना चाहिए। अगर आपका कुत्ता आपका एनर्जी ड्रिंक या कॉफी पी ले तो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएं। तीसरा, अंगूर का रस। किशमिश और अंगूर किसी भी रूप में आपके कुत्ते के लिए जानलेवा होते हैं। ये हमारी लिस्ट में इतना ऊपर इसलिए है क्योंकि ए, ये प्रसिद्ध है और कई रूपों में पाया जाता है, और बी, क्योंकि ये इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसे अपने कुत्ते से दूर रखना चाहिए। अंगूर खाने से आपके कुत्ते की किडनी फेल हो सकती है। आपके कुत्ते द्वारा अंगूर खाने का पहला संकेत ये होगा कि उसे बहुत ज्यादा उल्टियाँ होंगी। उसके बाद आपका कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगेगा और बीमार, दुखी और सुस्त हो जाएगा। चौथा, वाइन। चिंता मत करिए, हम यहाँ आपकी बात नहीं कर रहे। आप जितनी चाहें उतनी वाइन पिए, लेकिन अपने कुत्ते को वाइन बिल्कुल मत दें। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में कहा, अंगूर से संबंधित कोई भी चीज आपके कुत्ते के लिए हानिकारक साबित होगी। इसमें शामिल है अंगूर फ्लेवर की आइसक्रीम जो आपका बच्चा खा रहा था, सुबह आपके पिताजी द्वारा लाए गए रेजन स्कोन्स और आपके पसंदीदा पिनो नोआर का ग्लास। कम मात्रा में देना भी कुत्ते के लिए बुरा हो सकता है। पांचवा, शराब। ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से कुत्ते बिल्कुल भी शराब सहन नहीं कर पाते। पहली वजह है एक्चुअल अल्कोहल कंटेंट। कुत्ते इंसानों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं ज्यादातर मामलों में, और आम तौर पर आपके पालतू को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही कम मात्रा काफी होती है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा पैमाने पर होते हैं। शराब की छोटी सी मात्रा से भी आपके जानवर को उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ, कोऑर्डिनेशन और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। शराब के साथ दूसरी बात ये है कि ये कई चीजों में होती है। यही वजह है कि आपकी किचन पैंट्री में कुत्ते को नहीं आना चाहिए। शराब कई चीजों जैसे एक्सट्रैक्ट्स, कुछ मस्टर्ड्स, वाइन विनेगर, सॉसेस, चॉकलेट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, केक, व्हिप्ड क्रीम्स और डो में हो सकती है। इन सब चीजों से अपने कुत्ते को दूर रखकर उनके प्रति अपना प्यार जताइए। छठा, मिल्क शेक्स। स्वादिष्ट मिल्क शेक आखिर किसे पसंद नहीं? उनके आइकॉनिक होने की कोई वजह है, लेकिन इंसानों की ही तरह बहुत से कुत्ते भी लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। इसमें डेयरी की सब चीजें शामिल होती हैं। आप नहीं चाहते ना कि आपके कुत्ते को पेट दर्द हो? डेयरी से आपका कुत्ता बहुत बीमार हो सकता है। उसे दस्त या पेट की कोई समस्या हो सकती है। कई मामलों में इससे एलर्जी भी हो सकती है और आपके कुत्ते को खुजली हो सकती है, हालांकि वो इसे खाने के लिए आपसे मांगेंगे जरूर। इसकी बजाय आप उन्हें ठंडा पानी या डॉगी ट्रीट दीजिए, उसे वो ज्यादा एंजॉय करेंगे। सातवां, चॉकलेट मिल्क। शायद बचपन में आप इसे पसंद करते होंगे, और बचपन में ही क्यों, आज भी करते होंगे, और ये कूल भी है, लेकिन आपका कुत्ता इसे सहन नहीं कर पाएगा। हमने अभी डेयरी के लिए बताया कि दूध बुरा क्यों है, लेकिन इसे चॉकलेट के साथ मिलाना इसे और भी बदतर बना देता है। चॉकलेट में थियोब्रोमीन और कैफीन होता है। इन दो चीजों को कुत्ते मुश्किल से पचा पाते हैं। चॉकलेट से आपके कुत्ते को तेज पेट दर्द, उल्टी, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये और भी गंभीर होकर अंदरूनी ब्लीडिंग,
मसल ट्रेमर्स, दौरे, दिल का दौरा या मौत का कारण हो सकती है। डार्क चॉकलेट और अनस्वीटेंड बेकिंग चॉकलेट सबसे खतरनाक होते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। आठवां, सोडा। कोई भी बहुत ही मीठी चीज कुत्तों के लिए भी इसी वजह से हानिकारक होती है जिस वजह से वो हम इंसानों के लिए होती है, वो है उसका मीठापन। चीनी आपके सिस्टम को बिगाड़ देती है और धीरे धीरे आपका और आपके पालतू का वजन बढ़ाती है। इस बढ़े हुए वजन और शरीर में अतिरिक्त चीनी डालते रहने से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है और ऐसा ही आपके कुत्ते के साथ भी हो सकता है। यही चीनी दांतों के लिए भी बुरी होती है, आपके और कुत्ते दोनों के। यही नियम केक और कुकीज पर भी लागू होता है, यानी वो हर चीज जिसमें अतिरिक्त चीनी हो आपके पालतू के मुंह में नहीं जानी चाहिए। और सच कहूँ तो आपको भी मीठा खाना कम करना चाहिए। मीठा खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं? देखें ये वीडियो, सात प्राकृतिक स्वीटनर्स जो चीनी से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, और जाने कुछ बेहतरीन अल्टरनेटिव्स। नवा, ज़ाइलिटॉल। ज़ाइल क्या? शायद आप इस चीज का नाम पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ये चीज आपके घर में जरूर पाई जाती है। ज़ाइलिटॉल एक तरह का स्वीटनर है जो ड्रिंक्स के साथ साथ कई चीजों में होता है। इसे कंज्यूम करने पर आपके कुत्ते का ब्लड शुगर गिर सकता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, कमजोरी, मोबिलिटी इश्यूज, उल्टी हो सकती है और वो कोमा में भी जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे बदतर नहीं हो सकता, तो जान लें कि इस चीज को ज्यादा खाने से कुछ ही दिनों में लिवर खराब हो सकता है और जान पर बन सकती है। ज़ाइलिटॉल आमतौर पर टूथपेस्ट, कैंडी और च्युइंगम जैसी चीजों में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये और किसी आर्टिफिशियली स्वीटेंड ड्रिंक में ना हो। दसवां, क्लीनिंग लिक्विड्स। ये सभी के लिए जहरीले होते हैं, लेकिन अगर इन्हें कंज्यूम कर लिया जाए तो इससे किसी को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। डिशवॉशर डिटर्जेंट जैसी चीजों का कोई स्वाद या गंध नहीं होता, इसलिए उन्हें आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि इन चीजों को ताले में बंद करके रखें, लेकिन अगर आपका कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगे या बीमार पड़ जाए, तो आप उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। एक और अल्टरनेटिव ये है कि नींबू, सिरका और पानी जैसे प्राकृतिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जिनसे पर्यावरण या घर में किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ग्यारहवां, आपकी दवाइयाँ। क्या आपको लगता है कि आपका कुत्ता बीमार है? उसे भूल से भी अपनी दवाई देने की गलती ना करें। मुझे पता है कफ सिरप इंसानों की खांसी का इलाज कर सकता है, लेकिन ये आपके कुत्ते के लिए जानलेवा हो सकता है, खास तौर पर वो चीजें जिनमें असेटामिनोफीन और आइबोप्रूफिन हो, जो कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में बहुत पॉपुलर हैं। अगर कुत्ता बीमार हो तो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपका कुत्ता कुछ ऐसा पी ले जो उसे नहीं पीना चाहिए, तो क्या करें? सबसे पहली बात, डरिए मत। अगर आपको लगता है कि आपके कुत्ते ने कोई गलत चीज पी ली है, तो लोकल एनिमल पॉइजन कंट्रोल सेंटर या इमरजेंसी वेटरिनेरियन ऑफिस में फोन करके पूछें कि क्या करना है। अगर कुछ बहुत गंभीर है तो वो आपको अगले स्टेप्स बताएंगे। अगर आपका कुत्ता अचानक बीमार हो जाए और इसकी वजह आप ना जानते हो, तो आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। हो सके तो घर में ही कुछ छानबीन करें और कोई हिंट खोजें कि उन्होंने क्या खाया होगा। आप जानते हैं कि आपका कुत्ता बेस्ट है, और अगर ये अचानक से अजीब बर्ताव करने लगे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। अपने जानवर की देखभाल करना यानी उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखना है, और इसकी शुरुआत एक सुरक्षित पेट फ्रेंडली घर से होती है। क्या आपके पास कुत्ता है? किस तरह का है वो? हमें और बाकी डॉग लवर्स को नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।